हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो पे भी हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जिनके नीट में आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंडोमेट्रियल लाइनिंग अटेन्स थिकनेस ऑफ, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियल की लाइनिंग की थिकनेस कितनी हो जाती है? 10 to 12 mm, 5 to 6 mm, 3 to 4 mm या फिर 1 to 2 mm। तो देखिए इसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में पाई जाती है और ये टोटल 28 डेज की होती है जिसमें कि चार फेज होते हैं। तो चार फेज कौन कौन से होते हैं उसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, माई, फ्लावर, ऑफ, लोटस। तो देखिए इसमें माई से है मेंस्ट्रुअल फेज, फ्लावर से फोलिकुलर फेज, ऑफ से ओवुलेटरी फेज एंड लोटस से लूटियल फेज, जिसमें से मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 days चलती है, देन फोलिकुलर फेज 6 to 13 days एंड ओवुलेटरी फेज 14 डे, यानी कि ये 14वें दिन पे होती है। एंड लास्ट होती है लूटियल फेज जो कि 15 से लेके 28 दिन तक चलती है। तो टोटल जो है 28 दिन की ये पूरी साइकिल होती है जिसमें कि चार फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड लूटियल फेज। तो देखिए सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है, एंडोमेट्रियम टूट जाती है क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। देन इसके बाद आती है फोलिकुलर फेज जो कि 6 से 13 दिन तक चलती है और इसमें एंडोमेट्रियम दोबारा बन जाती है। एंड इसके बाद होती है ओवुलेटरी फेज जो कि 14वें दिन होती है, यानी कि 14वें डे होती है, इसमें ओवुलेशन होता है इसलिए इसे ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है और इसमें LH एंड FSH के लेवल बढ़ जाते हैं और इस स्टेट को LH सर्ज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें LH हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड लास्ट में होती है लूटियल फेज जिसे कि सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं और इसमें कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि दोबारा एंडोमेट्रियम बनाता है जिसकी थिकनेस 5 mm से 6 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। LH ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, एंड लास्ट है LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी। तो देखिए हमने देखा था इसमें दिया है सबसे पहले LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के समय LH एंड FSH का सिक्रेशन कम हो जाता है जबकि ऐसा नहीं होता है, फोलिकुलर फेज से ही इनका सिक्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ओवुलेटरी फेज में इनका सिक्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जिसे कि LH सर्ज भी कहते हैं। तो इसका गलत जो स्टेटमेंट दिया है वो है ए जो कि गलत दिया है, बाकी बी सी एंड डी ये तीनों सही हैं। Which of the following event is not associated with ovulation in human female? तो human female में होने वाले ovulations के लिए इसमें से कौन सा event नहीं है? Release of secondary oocyte, LH surge, decrease in estradiol या फिर full development of Graafian follicle। तो देखिए आप जानते होंगे ovulatory phase के समय secondary oocyte का secretion होता है, तो ये भी सही है, LH सर्ज भी होता है एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फोलिकल भी होता है, जबकि इसमें सी गलत दिया है क्योंकि
एस्ट्रोडियोल का सिक्रेशन कम नहीं होता है। हार्मोन्स फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रोड्यूस्ड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज ओनली, यूट्रस ओनली, ओवरीज एंड यूट्रस, या फिर ओवरीज एंड एंटीरियर पिट्यूटरी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओवरीज एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि आप जानते होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH हार्मोन सीक्रीट होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जरूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम? तो इनमें से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है जो कि एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस करता है? यूट्रस, ग्रेफियन फोलिकल, कार्पस लूटियम, या फिर ओवरी? तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बनाता है या फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट FSH एंड LH अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि ये दोनों हार्मोन मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। FSH एंड LH स्टिमुलेट द फोलिकल टू सिक्रीट इस्ट्रोजन, तो ये भी सही है। द ओवेरियन साइकिल डिपेंड्स ऑन द ब्लड वेसल ऑफ FSH एंड LH, तो ये भी सही है, यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द सिलेंड्रिकल चेंजेस टेक प्लेस इन पेरिमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, कॉर्पस लूटियम, या फिर मायोमेट्रियम? तो आप जानते होंगे यूट्रस में तीन लेयर पाई जाती हैं, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय केवल एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एंडोमेट्रियम। कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन्ड इन अ वुमेन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, या फिर सोमैटोमेमोट्रोफिन? तो देखिए, कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन, इनिबिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें कि मुख्य रूप से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, एंड HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इसे मेंटेन या रेगुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। द मेन फंक्शन ऑफ ममेलियन कॉर्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस्ड, ममेलियन कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो आप ये जानते हैं कि कॉर्पस लूटियम से तीन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन। तो इसमें दिया है इस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, या फिर रिलैक्सिन ओनली? तो देखा जाए तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि मुख्य रूप से प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है, इसके अलावा रिलैक्सिन भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे दिया है रिलैक्सिन ओनली, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर है बी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल्स ऑफ LH एंड इस्ट्रोजन आर हाईएस्ट अराउंड, तो आप जानते हैं LH हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा कब होता है, जिसे कि LH सर्ज भी कहा जाता है, तो वो होता है ओवुलेटरी फेज में, जिसे कि जो कि 14 डे पे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, 14 डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिक्रेटरी फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमसे पूछा है कि सिक्रेटरी फेज के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फोर फेज होती हैं, जो कि पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, माई, फ्लावर ऑफ लोटस, यानी कि पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फोलिकुलर फेज, तीसरी ओवुलेटरी फेज एंड लास्ट ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज को ही सिक्रेटरी फेज कहा जाता है।
तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फोलिकुलर फेज, गलत है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोलीफ्रेटिव फेज, ये भी गलत है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लूटियल फेज एंड इंड्यूसेस साइकिल डेज फ्रॉम 15 to 28। तो इसका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सिक्रेटरी फेज को लूटियल फेज भी कहा जाता है और ये 15 डेज से 28 डेज तक चलती है, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और वो एंडोमेट्रियम की दीवार को या उसकी वाल को थिक मजबूत बनाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर FSH। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और इसी समय मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी, प्रोजेस्टेरोन। द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली सिक्रेटरी फेज को कहा जाता है। तो हमने बताया था इसे लूटियल फेज भी कहते हैं, जो कि 15 डेज से 28 डेट तक चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। द टाइम फॉर ऑप्टिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन इन अ वुमेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो आप जानते हैं ओवुलेटरी फेज के समय ओवम का सिक्रीशन होता है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कंसेप्शन के, जो कि 14वें डे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, 14th डे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम में से इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है। तो हमने बताया था कि कॉर्पस लूटियम से तीन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो कि हैं प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनेबिन। तो राइट आंसर होगा सी, एस्ट्राडियोल, जो कि कॉर्पस लूटियम से सिक्रेट नहीं होता है। ये हार्मोन ग्रेनुलोसा सेल ऑफ ओवरी से सिक्रेट होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनेबिन, ये तीनों हार्मोन कॉर्पस लूटियम से सिक्रेट होते हैं। अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्ज नॉर्मली अकर्स। यानी कि ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH हार्मोन का सबसे ज़्यादा सिक्रेशन कब होता है, 14 डे, 20 डे, 5th डे या फिर 11th डे। तो आप जानते हैं ओवुलेशन के समय यानी कि ओवुलेटरी फेज में LH हार्मोन का सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 14 डे पे होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए, 14 डे। नेम द हार्मोन डैट हैज़ नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन, इनमें से किस हार्मोन का मेंस्ट्रुएशन में कोई रोल नहीं होता, LH, FSH, GH या फिर TSH। तो इसका राइट आंसर है सी, ग्रोथ हार्मोन का मेंस्ट्रुएशन के समय कोई रोल नहीं होता है। शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इज, वुमेन में पाए जाने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे छोटा फेज कौन सा होता है। तो आप जानते हैं चार फेज होती हैं, पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फोलिकुलर फेज, तीसरी ओवुलेटरी फेज एंड लास्ट होती है लूटियल फेज, जिसमें से ओवुलेटरी फेज केवल एक दिन की होती है, जिसमें LH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इस समय ओवम सिक्रेट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, ओवुलेटरी फेज।